पेपर में चालक परिचालकों ने डीआर और कटौती को लेकर किया प्रदर्शन, बंद रखा बसों का संचालन। एआरएम द्वारा समझाने पर माने कर्मचारी, दोपहर में मार्ग पर भेजी गई बसें बेवर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बेवर डिपो में विभाग द्वारा चालक परिचालकों को डीआर न मिलने और विभिन्न कारणों को लेकर वेतन से कटौती कर लेने से आक्रोशित चालक परिचालकों ने प्रदर्शन कर ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। बाद में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक व केंद्र प्रभारी द्वारा आश्वासन देने पर दोपहर को चालक परिचालक ड्यूटी पर गए। बेवर डिपो में वर्तमान में 116 नियमित व संविदा चालक और 101 परिचालकों की तैनाती है। सोमवार को सभी कर्मचारियों द्वारा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि विभागीय अधिकारी उनके साथ मनमानी कर रहे हैं। लगातार ड्यूटी और कम लोड फैक्टर, अनुपस्थिति, ढाबा कलेक्शन, डीजल एवरेज या बस खराब होने पर आधे मार्ग से लौटने पर उनके वेतन में कटौती की जाती है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होने में भी परेशानी होती है। कई बार इसके लिए कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित चालक परिचालकों ने सुबह मार्ग पर जाने से इनकार कर दिया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपराजित श्रीवास्तव व केंद्र प्रभारी वी के मिश्रा द्वारा डीआर और कटौती के संबंध में चालक परिचालकों को आश्वासन दिया कि उन्हें परेशानी नहीं होने दी जाएगी, साथ ही कटौती के संबंध में अग्रिम आदेशों तक उसे रोका जाएगा। आश्वासन के बाद दोपहर 12 बजे चालक परिचालक अपने अपने मार्ग पर संचालन के लिए गए। परेशानी है आपको, क्या समस्या? परेशानी ये है सर, इनकम नहीं आती है, चालक परिचालक की रिकवरी की जाती है आगरा में, वहाँ जाके पुलिस वाले चालान कर देते हैं 500-600 रुपए का, और वो चालक स्वयं भरता है। ये चालान जो होता है किस बात का चालान? ये पुलिस चालान करती है सवारी उठाने पर, भगवान वाटर बक्स में, और यहाँ चालान स्वयं चालक को भरना पड़ता है, और यदि इनकम नहीं आती है तो यहाँ इनकम कटौती होती है, और प्राइवेट वाहन वहाँ भरे जाते हैं, इसमें विभाग कुछ करना नहीं चाह रहा है।